अपने पसंदीदा शो के फुल एपिसोड देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप। आराम से सर, थोड़ा थोड़ा ना चलना शुरू कीजिए। सुबह की धूप सेहत के लिए बहुत अच्छी होती है। आराम से। अब एक मिनट। डॉक्टर, नर्स, केयरटेकर, सारी खूबियां हैं इस लड़की में, बस डिग्री नहीं है। अब आप आराम से बैठ के प्राणायाम कर लीजिए, ठीक है? आइए, संभाल के। शिवम जी, आपकी शू लेसेस। शिवम जी, आपकी शू लेसेस। शिवम, शू लेसेस। शिवम जी, अरे ये क्या कर रही हैं आप? हाँ, ऐसे अचानक से मेरी ट्रेडमिल रोक दी आपने। अभी मैं गिर जाता, चोट लग जाती मुझे तो। समझ में नहीं आता आपको, कितनी बार मैंने कहा है आपको कि मेरी चीजों में दखल मत दिया कीजिए, लेकिन आप समझते कहाँ हैं? जब देखो तो संभल कर। हम तो बस इतना कह रहे थे कि आपकी शू लेसेस खुली हुई है, आपको चोट लग जाएगी। क्या कर रही हैं आप? हम तो बस आपकी शू लेसेस बांध रहे थे, माफ कीजिएगा, हम भूल गए थे कि आपको पसंद नहीं है आपकी कोई शू लेस बांधना। आपको कैसे पता? अरे दिव्यम बेटा, इतने दिनों में डॉक्टर राधिका भी तुम्हें समझने लगी। डॉक्टर राधिका, मुझे अंदर ले चलिए प्लीज। जी, बहुत हो गया योगा। आइए आराम से। वैसे डॉक्टर राधिका, शाम को आ रहे हैं ना आपके पति? जी हाँ। गुड, पापा संभलते हैं। कभी कभी लगता है जैसे कुछ यादें हैं जो धुंधली हो गई, जैसे बीच बीच में वो आके अपनी झलक दे जाती है, फिर से छूट जाती है। पता नहीं ये सच है या फिर इस चोट का असर है। दिव्या, ये सब छोड़, वर्कआउट पे ध्यान दे। अभी तक आई नहीं मंदिर से सुजाता। दादी आती ही होंगी। डॉक्टर राधिका, आपके पति नहीं आए, कहीं दिखाई नहीं दे रहे। फोन लगाइए ना उन्हें, बुला लीजिए। फोन क्यों करना, जब कहा है तो आते ही होंगे। हे भोलेनाथ, क्षमा करना, आज पूजा के दिन हमें झूठ बोलना पड़ रहा है। अब पूजा का मुहूर्त आरंभ हो चुका है। तो फिर पूजा शुरू कीजिए पंडित जी। जी। कहाँ रह गई थी सुजाता, कब से इंतजार कर रहे हैं? बैठो, जल्दी बैठो, पूजा शुरू करो। सिद्धि बुद्धि सहिता श्रीमन महागणाधिपतये नमो नमः। अब हमारे साथ आप लोग भी हवन कुंड में आहुति डालिए। ओम प्रजापतये नमः स्वाहा, ओम इंद्राय स्वाहा, ओम अग्नये स्वाहा, ओम सोमाय स्वाहा। ये कैसी परीक्षाएं भोलेनाथ,
काश हम देवेंद्र जी को बता पाते कि कोई नहीं आने वाला, वही हमारे पति हैं। अब जिन्होंने व्रत रखा है अपने पति के चरण छू के शुभ आशीर्वाद ले लें और उनके पति भगवान के पास रखे थाल से प्रसाद अपने पत्नी को दे दें। डॉक्टर राधिका, कहाँ आपके पति? अभी तक दिखाई नहीं दे रहे। आए नहीं क्या? सब कुछ ठीक है ना? कुछ गड़बड़ तो नहीं? कहीं कोई ऐसी बात तो नहीं है जो आप हमसे छुपा रही हैं? दीपेन बेटा, जरा हल्की टोकरी तो लाना। अभी लाया था। हे भोलेनाथ, हमने बड़ी निष्ठा से व्रत रखा है, बस हमारा साथ दीजिए। सो सॉरी, अब मेरे आंखों में रोशनी चली गई थी। ये क्या कर रही हैं आप? वो बस हम फल उठाने में मदद कर रहे थे। हमारी पूजा सफल करने के लिए धन्यवाद भोलेनाथ। अब आप अपने पत्नी को ये फल दीजिए। डॉक्टर राधिका, कहाँ हैं आपके पति? आप किसका आशीर्वाद देंगी? मतलब बिना आशीर्वाद के आपकी पूजा संपन्न कैसे होगी? हमें तो स्वयं भोलेनाथ आशीर्वाद देंगे, और इतनी श्रद्धा से पूजा की है, ऐसे कैसे सफल नहीं होगी? आप और आपकी ये मोटी मोटी बातें, मुझे पहले सिर्फ शक था, लेकिन अब ये शक यकीन में बदल गया है कि आप शादीशुदा नहीं हैं। आपका कोई पति है ही नहीं। नहीं नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। ऐसा नहीं है तो कैसा है? कहाँ है आपके पति? मुझे तो कहीं दिखाई नहीं दे रहे। देखा दादी आपने, ये डॉक्टर झोल झपाटा तो है ही, हर बात में इनकी बस झूठ होता है। नहीं नहीं धर्म जी, हम झूठ नहीं बोल रहे। अगर हमारे पति नहीं होते तो हम व्रत क्यों रखते? हमें धोखा देने के लिए, हम सबको विश्वास दिलाने के लिए कि आप अच्छी हैं, भरे पूरे घर से आती हैं, शरीफ हैं, जबकि ऐसा कुछ नहीं है। आपकी नीयत में खोट है। हो सकता है कि आपको इस घर में चोरी करके, खुद को अच्छा साबित करके यहाँ से भाग जाने का इरादा है आपका। तू ये क्या बोल रहा है? मैं सही कह रहा हूँ गोलू भैया, और आप सब लोग ना इनकी वकालत करना बंद कीजिए। आज दूध का दूध और पानी का पानी हो जाए। इनको बहुत शौक है ना मंगलसूत्र पहनने का, सिंदूर लगाने का। जब देखो तब अपने पति की माला जपती रहती हैं। तो आज ही अपने पति को मेरे सामने खड़ा करें, वरना ये इस घर से जा सकती है। यहाँ है इनके पति। Thank you.
अब देखिए मन अति सुंदर दंगल प्ले पर टीवी से पहले।